number 6C2213 to Delhi is delayed by more 1 hour and the reverse departure is 2245 minutes. I repeat, the reverse departure is 2200. तो गाइस आए हुए थे यहाँ पे घूमने अपना बेंगलोर में इंडिगो में यार। वाकई में हमारी ना जो फ्लाइट थी 8-10 की थी, फिर इन्होंने कहा कि 9:30 बजे मिलेगी फ्लाइट। 9:30 का भी आगे कोई अपडेट नहीं दे रहे, परेशान हो रहे हैं यात्री, आप देख ही रहे हो। तो गाइस मैं ट्रैवल कर रहा था बेंगलोर से दिल्ली और बीच में अपना था कनेक्टिंग एक स्टॉप हैदराबाद में, तो यहाँ रुके हम। 5:30 बजे का आया हूँ मैं, 8:10 की फ़्लाइट थी, अभी बज गए हैं टाइम 9:30। दिखाता हूँ आपको, 5:30 बजे से मैं एयरपोर्ट पे हूँ हैदराबाद के, और टाइम देखो ये अभी 9:30 हो गए हैं और अभी ये क्लियर स्टेटस नहीं बता रहेगी किस वजह से फ़्लाइट लेट है और कब तक ये हमें लेके जाएंगे दिल्ली। 17 सितंबर 2023 जो टाइम है उड़ने का, ये बोर्डिंग ये देखो 19:25, मतलब 7:25 पे बोर्डिंग होनी थी, तो जो कि है अब 9:30 बज गए, मैंने आपको दिखाया, और यात्री हो रहे हैं परेशान, जो कि बहुत गलत बात है। साढ़े नौ गए, 1 घंटे कह रहे हैं कि 1 घंटे और लेट होगी। यार देखो यार, गलत है यार सर्विस यार। अब असल में यार इनका कॉम्पिटिटर नहीं है ना कोई, मोनोपोली कर रहे हैं। अब एक टाटा वाले चला रहे हैं और एक इंडिगो वाले, तो कंपटीशन नहीं है, तो अपने हिसाब से ये मनमानी कर रहे हैं यार, गलत बात है यार। तो दोस्तों ये कह रहे हैं इंडिगो वाले वीआईपी मूवमेंट हो रही थी, टाइमिंग क्या है, और कोई जैन सामने आ नहीं रहा क्योंकि उसको गाली देगा कोई, आपको आगे भेज देते, आप जाओ, आपको कोई गाली कैसे दे सकता है, कितने भी परेशान हो जाए गर्ल्स को थोड़ी गाली दे देंगे। सॉरी बोल देते भैया,
इधर रिवाइज मैसेज भी तो नहीं ड्रॉप कर रही है कि टाइम रिवाइज कर दिया है। खाना भी नहीं खिला रहे गाइस, डिनर का वक्त हो रहा है, खाना भी नहीं खिला रहे, लेट कर रहे हैं और खाना भी नहीं खिला रहे। इन दोस्तों देख लो यार, टिकटें होती है इतनी महंगी महंगी, और कोई पैसेंजर लेट हो जाता है तो फ्लाइट छोड़ के चली जाती है उसे, तो आप समझ सकते हो यार कस्टमर का दुख यार। कस्टमर शब्द में ही कष्ट लिखा यार, जो कि कष्ट से ही मरेगा यार। कस्टमर बात कर रहे हैं यार, परेशानी हो रही है बड़ी। ये जो फ्लाइट थी ये उड़नी चाहिए थी 8:10 पे, और ये देख लो 10:30 बजे उड़ेगी अब। भैया कह रहे जो बस की नहीं है जो कर छोड़ के निकल जाना चाहिए। ये ना कह रहे हैं बोर्डिंग कर लो और प्लेन में बिठा देंगे, तो सारे मना कर रहे हैं कि बोर्डिंग नहीं करेंगे। बताओ यार गलत बोल के गई यार, वो गलत बात है यार। अब गाइस ये कस्टमर जो भी यात्री है ये बोर्ड नहीं करना चाह रहे,
इन्होंने ना तसल्ली देने के लिए यहाँ पे बोर्डिंग वो कर दी स्टार्ट, और ये बिठा देंगे प्लेन में 10:30 तक। तो पब्लिक कह रही है नो बोर्डिंग। कोई बात नहीं, रिफंड भी करा दो, हम उड़ भी जाएंगे भले ही लेट हो। भाई तुम क्या कहते हो, जो हो रहा है सही हो रहा है? वैसे यार सही तो नहीं हो रहा, देखो यार गलत है ना, है तो गलत यार। 8 बजे हमारी फ्लाइट उड़नी है, किसी को कहाँ जाना है यार, तो आगे किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट भी हो सकती है, किसी वीआईपी की वजह से आप सबको लेट करवा रहे हो। बिल्कुल गलत है। सीनियर मैनेजर हाँ जी गाइस, तो आपने देख ही लिया यार इंडिगो वालों का जो सीन हुआ। अब तक यार मैं घर होता वैसे। फाइनली गाइस 10:15 बजे अब एंटर कर रहे हैं अपने प्लेन में, देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्या सीन रहता है। चलो बैठ जाते। तो गाइस फाइनली अब जाके पहुंचे हैं दिल्ली, और ये देखो यार 1:30 बजे उतारा भाई साहब, मॉर्निंग के 1:30 बज गए, और अभी मैं देखो एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। यहाँ से अभी ओला करनी है, देखते हैं कब पहुँचते हैं घर। क्योंकि गाइस जो मैं निकला था ना, वैसे देखा जाए तो मैं 1:00 बजे निकला था बेंगलोर से। बेंगलोर से अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट थी हैदराबाद फिर दिल्ली। हैदराबाद 5:30 बजे पहुँच गए, और कायदे में जो फ़्लाइट को निकलना चाहिए था 8 बजे, 10:30 बजे यहाँ होना चाहिए था मुझे, पर फ्लाइट ही चली 10:30 बजे और पहुँचाया 1:30 बजे। और अभी आगे 1-1.5 घंटे और लगेंगे, गाज़ियाबाद जाना है। हाँ जी दोस्तों, फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने घर, और बज चुके हैं 3:00। जो अपना सफ़र स्टार्ट हुआ था 1:00 बजे स्टार्ट हुआ था बेंगलोर से, बीच में हैदराबाद स्टॉपेज, सारी चीज़ आपने देख ली। अब मैं 3:00 बजे पहुँचा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सोने। अगर आप दिन में देख रहे हो वीडियो तो आप जो कर रहे हो करो, या काम कर रहे हो करो, और रात में देख रहे हो तो आप भी वीडियो देखो और सो जाओ। वीडियो हो रही है ख़त्म, थक गया बहुत ज़्यादा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।